अभी अपने भाई को क्या है ये शाही कांटा। यार आपने देखा होगा एक जानवर तोता है, कांटे कांटे वाला वो पक्षी छोटे से पक्षी होता है। अच्छा वो उसका क्या पंख है, कांटा है उसका, कांटा है। चुप जाएगा तो मर ही जाएगा बंदा। So hey guys, welcome you to my YouTube channel Booze and Cruise. This side Dennis the Menace, your host and your host. So guys, it's around 11 AM in the morning, and मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ because मैं vlog edit कर रहा था. And so guys, अगर आपने मेरा previous vlog नहीं देखा है तो आप जाके check कर सकते हो. तो एक छोटे से गांव में गया था मैं उस time. So guys, अभी हमारा plan है डे हाइक पे जाने का, तो मुझे भी नहीं पता है, हमारे रवि भाई हमें लेके जा रहे हैं जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे। तो वैसे ही वो मुझे ट्रैक्स वगैरह अनएक्सप्लोर जगह वगैरह घुमाते रहते हैं, तो इसी बहाने वो खुद भी घूमते रहते हैं। एंड हमारा यही मोटिव होता है कि आज देखो काफ़ी धूप भी अच्छी है, तो हम काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे कि कहीं जाएँ कहीं जाएँ, बिकॉज यहाँ रह रहे कि भी इंसान काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज किसी डे हाइक पे जाया जाए। तो अभी मैंने चाय बना ली है, अंडे बॉईल कर लिए हैं, तो ट्रैक पे जाके खाएंगे एंड मज़े लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तो मिलते हैं आपको जल्दी। तो गाइस ये अपना दोस्त है लालू, कैसा है? गाइस धूप चेक करो, लिटरली आज मज़ा आ जाएगा ट्रैक मारने का। अपना डे हाइक का ट्रायल कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है, एंड लिटरली पूरी नीचे ब्लैक आइस जमी हुई है। रवि भाई कहाँ लेके जा रहे हो आज? गुलाब लंग तो लेट्स सी गाइस कैसे रहता है। और कालू कैसा है? बढ़िया। आजा, आज हमें फॉलो करता हुआ आज हमें कालू ले। तो गाइस अभी हम खरमा गांव से होते हुए जा रहे हैं, एंड लिटरली रास्ता इतना प्यारा है ना, ट्रस्ट मी गाइस आज मज़ा आ जाएगा। एंड अभी तो जस्ट ट्रैक की शुरुआत हुई है, बस थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा बिकॉज एक बार स्नो में गिर गया तो समझो ख़त्म। एंड लिटरली व्यू चेक करो गाइस, कितना ही प्यारा व्यू है। एंड मौसम, ओ भाई साहब क्या मस्त मौसम है। तो गाइस यहाँ से हमारे मंजिल का रास्ता स्टार्ट होता है, एंड अभी आप देख सकते हो हमारे सामने काफ़ी सारी भेड़े भी हैं जिनको उनका मालिक चराने के लिए लेके आया है। तो गाइज यहाँ से हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये लोगों ने पहले भी देखा होगा कहीं। तो ये पूरा एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। तो अभी हमारा प्लान है खरमा टू गुलामलांग जाने का, तो बाकी देखते हैं बिकॉज हम सुबह काफ़ी लेट उठे थे। तो हमारा प्लान है कि 6 किलोमीटर का ट्रैक मार के आते हैं, तो देखते हैं रास्ता कैसा रहता है। एंड यहाँ पर भी काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, लाइक इसमें बहुत कुछ लिखा है, लाइक नॉइस नहीं करनी है, स्केयरिंग, मतलब कुछ ऐसा इलीगल काम नहीं करना है आपको। तो ये हमारे रवि भाई ने हमें बताया था, जो अभी केला खा रहे हैं पूरा एकदम मस्त। एंड तो गाइज अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये जानवर की लिस्ट बन रखी है पूरी, तो यहाँ यहाँ ये जानवर हमें मिल सकते हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी रही तो ठीक है, नहीं तो आज हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो देख सकते हो लाइक ऐसे ऐसे जानवरों के नाम लिखे हैं जो लिटरली मुझे पता भी नहीं है, मुझे बस लेपर्ड का पता है, वुडपैकर का पता है। तो चेक करो, तो चलो देखते हैं गाइस क्या सीन बनता है। तो यहाँ से हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है, तो लेट्स सी आज हम कहाँ तक जाते हैं। हमारा प्लान तो गुलामलांग तक जाने का है, तो लेट्स सी। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस लिटरली अभी हमें जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं
हमने जस्ट ट्रैक स्टार्ट ही किया अभी एंड लिटरली गाइस रास्ता इतना टफ है ना, मतलब रास्ता ऐसी नहीं है, स्टेयर वाइज है तो सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ रहा है एंड लिटरली सांस काफ़ी फूल रही है बिकॉज इतने दिन बाद इतना लंबा ट्रैक मार रहा हूँ मैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम हार नहीं मानेंगे, हम जहाँ जा रहे हैं आज तो 6 किलोमीटर का बेसिकली वो ट्रैक है। तो अभी हमें जस्ट हमने 500 मीटर ही कवर किए हैं तो हम जाके रहेंगे गुलाम लांग तक तो हम जाके रहेंगे। मुझे थोड़ा प्रनाउंस करने में दिक्कत आ रही है गुलाम लांग। तो गाइस फाइनली स्नो आ गई है तो यहाँ से चढ़ने में थोड़ा दिक्कत रहेगा बट कोई इशू नहीं है। आपके भाई ने ट्रैकिंग शूज़ पहने हुए हैं। One of the toughest treks I've ever done. तो गाइज अभी एक छोटा सा वाटरफॉल आ चुका है तो ये देख सकते हो आप एंड बाकी हमने ये बहुत सारे पाइन ट्रीज से इकट्ठे कर लिए हैं तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाके मस्त एकदम आग जलाएंगे एंड कबीले वालों की तरह, बिकॉज आज हमारे पास चाय भी है, हमारे पास बॉइल्ड एग्स भी है तो काफ़ी मज़ा आएगा। एंड लिटरली ये छोटा सा झरना देख सकते हो आप, इतना ही प्यारा है। तो गाइस रवि भाई और मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी ले ली हैं, आग जलाने के काम आएगी। रवि भाई कैसा फील कर रहे हो ब्रो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रास्ता कैसा है? बहुत स्टीप। तो गाइस अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है एंड 6 किलोमीटर का ट्रैक था, बस 3 किलोमीटर और बचे हैं उसके बाद हम मस्त जगह पर पहुँच जाएंगे। एंड रास्ता काफ़ी लिटरली काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि स्नो भी है, पानी भी है तो चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, रास्ते का मुआयजा कराता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता है और अपने रवि भाई वहाँ सांसों में भरते हुए एंड नेचर का मुआयजा लेते हुए एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रास्ता, अगर एक बार भी पाँव फिसला तो समझो सीधा नीचे। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मतलब मोटिवेटेड सा फील हो रहा है मुझे इस टाइम। भाई मैं क्या सोच रहा था, अगर हमारे पीछे जानवर वगैरह पड़ गया, बिकॉज उसमें नीचे बोर्ड पे इतने सारे जानवरों के लिखे हुए थे नाम, तो इट माइट बी शायद रात को निकलते होंगे या जहाँ पानी होगा यहाँ पे झरने के पास वहाँ तो मिल ही जाएगा पक्का, है ना? तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ नहीं करेंगे, तब वही करेगा जो करेगा। तो भाई अभी हम एक छोटे से मंदिर पे भी पहुँच चुके हैं जहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी चुन्नियाँ बांध रखी है, तो ये आई थिंक मंदिर है बट मुझे नहीं पता। तो लोकल लोग मान्यता करते होंगे कि भाई जितना जितना आगे जाते जा रहे हैं रास्ता उतना ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है ऊपर जाके जो मस्त व्यू आएगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ ब्रो, तो गाइस हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़ चुके हैं तो अभी इन्हीं के साथ चलते हैं, ये लोकल बंदे हैं। तो भाई बता रहा है कि हम यहाँ पे गुलेल लेके आते हैं तो जंगली मुर्गे होते हैं यहाँ पे तो शिकार करते हैं ये भाई अपने। एंड अभी भाई 10th क्लास में है तो लिटरली यार, तो गाइस रवि भाई अभी गलत रास्ते लेके जा रहे थे तो वो भाई के आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, बिकॉज़ यहाँ से 2 रूट कटते हैं, एक ऊपर को और एक यहाँ को, तो गुलाम लांग जाने का ये रास्ता था तो वो भाई ने बताया कि ये रास्ता है बट हम इस रास्ते से जा रहे थे तो अच्छा हुआ कि भाई लोग मिल गए, इस लेके आए हैं। इसका क्या करेगा भाई? इसको फ्राई करके खाएंगे। अच्छा सही है, ये कहाँ से पकड़ी आपने? ये ऊपर से। अच्छा ये गाइस फाइनली हम गुलाम लांग पहुँच चुके हैं
तो कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से। एंड यहाँ से स्नो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपने भाई लोग मिल गए थे हमें, तो ये भाई का नाम मैं भूल गया, ओम। ये भाई आपका नाम सुजल, आपका नाम भाई मुकेश, और आपका। तो इनके आने से काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब रास्ता मदद होगी हमें काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। वैसे इनका तो डेली बेस का मतलब डेली आते हो आप तो, है ना? तो ये तो डेली आते हैं, इनके खेत हैं अपने, तो रोज़ खेत देखने आते हैं। बाकी आप चेक कर सकते हो क्या व्यू है। स्नो लिटरली ये कितने फुट की होगी स्नो? आधा एक फुट स्नो है ये तो। हाँ, और काफ़ी मस्त व्यू है यहाँ का। तो भाई अपने बेयर ग्रिल्स वाली फीलिंग लेते हुए, तो इनको तो गर्मी होगी है काफ़ी। बाकी आप व्यू चेक करो, वो कौन सा पहाड़ पड़ता है वो जो सामने है वो वाला? तो कोई चीज़ जाता नहीं है, इधर बहुत बर्फ होती है। कौन सा है वैसे वो? एनी आइडिया? नाम तो नहीं बोल सकते अब क्या है। एक पाटसुलू पीक भी पड़ता है ना यहाँ पे। कौन सा पाटसुलू पीक पता है आपको? कौन सा पीछे वाला? पीछे पहाड़ है एक पाटसुलू पीक, पाटला सू। हाँ, तो गाइस स्नो चेक करो कितनी कितनी ज्यादा स्नो है। मैं तो पूरा अंदर ही धस रहा हूँ। तो अपना जो रवि भाई है उसको हेड स्टैंड करना है, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहता है वो। हाँ हाँ ये अपने हेड स्टैंड करते हुए। कम ऑन ब्रो यू कैन डू इट। तो ये अपने रवि भाई हेड स्टैंड करते हुए। ओ भाई साहब सही है, अब हमारी बारी है। ये अपने अभी चल भाई। मेरे को भी डर ही लग रहा है, तभी तो मैं नहीं मार रहा हूँ। आ जाओ जल्दी। आ जाओ मार दे जा, तो मार दे या मत मार। जय शंकर। ओम टू थ्री। मैं तो नहीं मार रहा भाई, पर ऊपर जाने की सोच रहे हैं, बिकॉज अभी दोपहर है तो शाम तक हम वापस आ जाएंगे। एंड ऊपर और ज़्यादा स्नो मिलेगी मुझे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी मुझे इस रास्ते से होते हुए वो ऊपर तक और आगे जाना है, तो काफ़ी दिक्कत रहेगी। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंड स्नो लिटरली काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा चढ़ने में दिक्कत हो रही है। बाकी फीलिंग इस टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ कि कैसा फील कर रहा हूँ। तो अभी ऊपर बैठेंगे, मस्त एकदम चाय पियेंगे, जो हमने अंडे बॉईल किए थे वो खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, तो बैठ के थोड़ा टाइम लैप्स बनाएंगे, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स बनाएंगे, तो वाइब्स को एंजॉय करेंगे। तो गाइस अभी छोटी सी झील आई है, तो छोटी सी बॉर्डर क्रॉसिंग है, तो काफ़ी मुश्किलों से होते हुए हम वहाँ से उस रास्ते से काफ़ी दिक्कत हुई आने में। तो मैंने वो चीज़ शूट नहीं की, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि मैं छोटी सी लापरवाही से नीचे गिर जाऊँ। तो गाइस इस जगह पे हमने कैंपिंग करने का सोचा है, एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो अपने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो सामने ऐसा व्यू है। तो अभी हम थोड़ी देर में
तो गाइस लिटरली पानी आप देख सकते हो कितना साफ है। ये बेशक मिट्टी है अंदर बट पानी लिटरली बहुत ज़्यादा साफ है, अभी भी पीने लायक है। भाई लोगों ने आग जला दी है तो अभी काफ़ी ठंड हो रही है, मौसम एकदम से धूप से सीधा क्लाउडी में बदल रहा है। तो अभी आग वगैरह सेकते हैं फिर आधे घंटे में नीचे चलेंगे। तो गाइस फाइनली हमने आग जला ली है एंड काफ़ी सारे सिनेमैटिक शॉट्स ले लिए हैं जो आप लोगों ने अभी देखे। एंड हमारा बहुत अच्छे वाला पोपलू भी कटा है, बिकॉज जो मैंने चाय सुबह बनाई थी उसमें मैं एक्चुअली चीनी डालना भूल गया था, तो चाय बिल्कुल फीकी थी बट उसमें इलायची वगैरह जो भी मैंने मसाले डाले थे उसका टेस्ट अच्छा आ रहा था, बट लिटरली चाय इतनी फीकी थी ना पूरी वाइब्स ही ख़राब हो गई। एंड अभी हमने सोचा है कि ये जो अपने भाई हैं तो ये भाई लोग तो डेली आते रहते हैं, तो हमने अभी सोचा है कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हम अपने साथ सारा सामान लेके आएंगे, लकड़ी वगैरह, तो हमने सोचा है कि बर्तन वगैरह सब लेके आएंगे, तो हमने सोचा है कि हम जाके यहाँ पे मैगी बनाएंगे एंड यहाँ पे बैठ के मैगी खाने का नज़ारा वो भाई साहब क्या ही मज़ा आएगा। वो अभी आपसे अलविदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, किसी अनएक्सप्लोर जगह को दोबारा से एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो तब तक के लिए सबको गोली बज गई, सब ढेर हो गए हैं। ओह, चलो चलो अब चलते हैं।